खिचड़ी द फूड चैनल खोलिए फेसबुक। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपके सामने इस वक्त घेवर ही घेवर है। मुझे लगता है कि जो मीठे का शौकीन है उसे घेवर ना पसंद हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज हम आपको खिचड़ी द फूड चैनल पर दिखाने वाले हैं कि घेवर बनता कैसे है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रेपरेशन गोदाम में है। इस वक्त हजारों लाखों की तादाद में यहाँ घेवर बनते हैं। घेवर का सीजन होता है, 3 महीने तक घेवर जो है वो मिलता है मार्केट में, और मुझे लगता है हर कोई घेवर को पसंद करता है। मेवे वाला घेवर होता है, सिंपल घेवर होता है। आपके सामने ये घेवर का प्रेपरेशन हो रहा है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि घेवर बनता कैसे है। ना मेरे लिए भी ये पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तेरे लिए एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आने के बाद जो वाइब्स हैं, मतलब दीवाने हो जाएंगे। अगर आप घेवर खाते हैं तो आप डबल खाने लगेंगे और बिल्कुल लाइव बन रहा। और यहाँ पे सबसे स्पेशल मैं आज आपको एक लाल घेवर दिखाने वाली हूँ। लाल घेवर है, मेवे वाला घेवर है। अच्छा, हम है कहाँ पे? हम है पानीपत के समालखा में, और श्री मिष्ठान भंडार, श्री हरि मिष्ठान भंडार में है हम इस वक्त। हाँ जी, प्रोपराइटर प्रेमचंद सैनी। प्रेमचंद सैनी जी जो हैं, इनकी शॉप है, इनका मिष्ठान भंडार है, श्री हरि मिष्ठान भंडार। लगभग 25 से 30 साल हो गए हैं। मेरे साथ पिंटू भाई हैं, मेरे साथ गौरव है, और ये यहाँ पर काफी साल से काम कर रहे हैं। सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं कि शुरुआत कैसे होती है घेवर की। आइए लोकेश, आ जाइए इधर से। पिंटू भाई, गौरव भाई, सबसे पहले क्या होता है घेवर, तैयार कैसे होता है? पहले बनाते हैं, ये देखिए मछली तैयार होने के बाद में ये क्या है, मैदा है? हाँ, मैदा नहीं, मैदे को पहले मैदे का पेस्ट बनाया जा रहा है, डो बनाया जाएगा। हाँ, डो बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में भट्टी पे निकालते हैं। इसके बाद फिर भट्टी पे निकालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, निकाल रहा है, लाइव निकल रहा है। अच्छा, लाइव निकल रहा है भट्टी। अच्छा, ये इस शेप में तैयार कैसे होता है, इस शेप में कैसे आता है? जैसे ये आपने इसका डो तैयार किया, ये हो गया। अच्छा, ये तैयार किया, इधर आ जाइए जरा, ये तैयार हो गया, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में बस तुरंत ये भट्टी पे, इसके बाद जो है ये इस ढांचा का है, वो ढांचा कौन सा है दिखाइए जरा। ये ढांचे में डाल रहे हैं, देखिए इस ढांचे में तैयार हो रहा है ये ढांचा। ये वाला लग रहा है मुझे, ये जो है ये वाला है, ये वाला, ये। नहीं, ये इसमें होता है ना तैयार। अच्छा, ये है, इसमें ढांचे में तैयार हो रहा है घेवर। इसका जो डो था वो डाल दिया गया इस ढांचे में। आप ये क्यों घुमा क्यों रहे हैं भैया? ये बोल, जगह बनाने के लिए। अच्छा, हाँ, जगह बनाने के लिए घुमाया जा रहा है। और ये क्या डाला आपने अभी? ये देसी घी डाल रहा है इसमें। अच्छा, देसी घी का है ये, देसी घी का घेवर तैयार हो रहा है, ये देखिए दोस्तों। वर्ल्ड फेमस घेवर है, कहाँ कहाँ तक जाता है पिंटू भाई आपका घेवर? सर विदेशों तक जाता है, अमेरिका और कनाडा वगैरह, बहुत फेमस है अपना घेवर। अच्छा, हाँ जी, विदेशों तक जाता है, अमेरिका, कनाडा, ये देखिए बहुत बढ़िया। घेवर कैसे तैयार होता है पूरा प्रोसेस आज आप देख लीजिए, लाइव है इस वक्त आप खिचड़ी द फूड चैनल पे। ये जो आप डाल रहे हैं पेस्ट, मैदे का ही होता है? मैदे का होता है। अच्छा, और भी कुछ डलता है इसमें? मैदा डलता है, घी डलता है। अच्छा, और इसको बैटर बना के फिर पतीले में आता है, पतीले का आने बाद। अच्छा, इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है ना देखने का, है बहुत बढ़िया। अच्छा, वो देखो वो लाल घेवर है, इसी तरह से वो बड़े वाले घेवर तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये छोटे घेवर तैयार हो रहे हैं, बड़ा घेवर देख लीजिए, आइए जरा, ये देखिए, आ जाओ, ये छोटे घेवर तैयार हो रहे हैं, छोटे साइज के। यहां पर ये देखिए, और थोड़ा छोटा साइज आ गया, ये देखिए। यहां पर भट्टी जल रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पर इस वक्त, ये देखिए, ये छोटा घेवर है। अच्छा, ये विदाउट खोए वाला है, और ये देखिए लाल घेवर, ये लाल घेवर है भैया, ये लाल घेवर है, बड़ा घेवर है, ये देखिए। प्रोसेस तो एक ही होता है पिंटू भाई, घेवर चाहे वो लाल घेवर हो चाहे वो सफेद घेवर हो, प्रोसेस तो एक ही होता है घेवर बनाने का। घेवर है इसमें, दूध का भी मिला। किसमें? लाल घेवर में। अच्छा, लाल घेवर में दूध भी मिलता है। इसको लाल घेवर, इसको मिल्क घेवर भी बोलते हैं। अच्छा, मिल्क घेवर भी बोलते हैं, ये देखिए, ये इसका पेस्ट तैयार हो रहा है, ये देखिए लाल घेवर, ये देखिए ये लाल घेवर तैयार हो रहा है। लाल घेवर और व्हाइट घेवर में फर्क होता है,
मैदे में थोड़ा दूध भी डलता है, ये देखिए, ये देखिए। एक पीस कितने कितने किलो का पीस है ये? एक पीस कितने किलो का है ये है? बिना मीठा 800 ग्राम का होता है। इसके बाद चाशनी जब भी डल जाती है इसमें, तब ये और थोड़ा हैवी हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है सर? इसका पेस्ट तैयार हो गया। ठीक है, पेस्ट के बाद बस ये पेस्ट तैयार होने के बाद यहाँ जाता है ना? ये दूध वाला लाल घेवर है जी। दूध वाले लाल घेवर का पेस्ट तैयार हो रहा है। अच्छा, दूध भी मधुसूदन यूज करते हैं यहाँ पे? प्योर दूध होता है ये? फुल क्रीम होता है? है फुल क्रीम है जी। दोस्तों हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो। इस वक्त आप लाइव घेवर की मेकिंग देख रहे हैं। इस वक्त हम पानीपत के समालखा में हैं, श्री हरि मिष्ठान भंडार, प्रेमचंद हलवाई की दुकान, प्रेमचंद हलवाई की दुकान जी का गोदाम है ये दोस्तों। चलिए अब देखते हैं वहाँ मावा कहाँ लगता है इस पे। चले वहाँ पर आइए। इना इना चलो आ जाइए। चलिए इधर से ही नीचे आ जाओ। तो दोस्तों अच्छा, हमारे लिए बहुत नई चीज है ना ये। तीन महीने रहने वाला है घेवर। एक इंसान सिर्फ डो तैयार कर रहा है, उसका डो तैयार हो रहा है, बाकी यहाँ पर आई गेस कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर एक टाइम में एक कढ़ाई पे चार घेवर बन रहे हैं। चार घेवर बन रहे हैं। और आप समझ लीजिए पॉपुलैरिटी कितनी है। बहुत पॉपुलैरिटी है। जब हम, हाँ जी, चांद तारे का मैदा यूज करते हैं। चांद तारे का मैदा यूज करते हैं हमारे भाई। ये देखिए गोदाम है पूरा ये घेवर का। समालखा में है इस वक्त हम, हरियाणा में है समालखा, पानीपत में आता है। इसके बाद जो है प्रोसेस दिखाते हैं हम आपको पूरा। हाँ। इसके बाद क्या प्रोसेस है ये देखिए, आइए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? अच्छा, लगाएंगे जी। अच्छा, मावा लगाएंगे पहले। फिर चाशनी कब लगती है? चाशनी भी लगाएंगे पहले। चाशनी लगाओगे पहले? ये देखिए पहले चाशनी लगती है, ये देखिए पहले लगती है चाशनी। अभी तो सीधा वो ही लगा रहे हैं एक बार उसको। अच्छा, ये सिकने के बाद, बनने के बाद सीधा यहाँ पर आ गए हैं? हाँ जी, अब इसको वो लगाएंगे। अच्छा, मुझे इसका कलर भी अलग लग रहा है इसका। ये कौन सा है? ये उसमें से लगेगा देखो। अभी ये मीठा कर, मीठा सोया है। अच्छा, ये मीठा हो चुका है। हाँ जी, ये तैयार है। पकड़ाओ। ये देखिए ये चाशनी में डुबो जा रहा है घेवर। ब्यूटीफुल प्रोसेस। ओ हो, ये ऐसे बनते हैं घेवर। घेवर तैयार। लाल चाशनी है, चाशनी भी लाल होती है। केसर वाला है एग्जैक्टली, इसमें केसर डाला हुआ है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। दोस्तों जो आप घेवर खाते हैं ना, वो इस तरह से तैयार होता है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपका दोस्त मीठे का शौकीन है। ये प्लेन घेवर है। हाँ, मावा लगाएंगे इसके ऊपर। मावा लगा। अच्छा, देखिए भैया तैयार बैठे हमारे। किस चीज का है ये? दूध से निकाला हुआ है। दूध को वाला? हाँ जी, प्योर दूध मधुसूदन से। और भी कुछ इसमें मिलाया है या ऐसे ही है? ये देखिए प्योर मावा है। ये मावा लग रहा है जिसको हम मलाई घेवर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके पास जो है वो चार तरह के घेवर है? केसर मलाई घेवर, केसर एक प्लेन घेवर, एक दूध वाला लाल घेवर प्लेन, एक दूध वाला मावे का लाल घेवर। अच्छा, और रेट क्या है, प्राइस क्या है इनके? जो देसी घी में मावा घेवर है वो 500 रुपए किलो जी। देसी घी का प्लेन घेवर है वो 450 हो जी। और लाल घेवर दूध वाला वो 240 है, और लाल मावा घेवर है वो 350 रुपए किलो जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है हमारे पिंटू भैया। पिंटू भैया आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ जी 15-16 साल से हूँ। अरे वाह, आप कितना घेवर खा लेते हो बार में? बस कुछ नहीं। अरे शानदार, बहुत बढ़िया। ये ड्राई फ्रूट्स लग रहे हैं बिल्कुल। घेवर की लाइव मेकिंग देख रहे हैं इस वक्त आप। समालखा में हैं हम, पानीपत में आता है समालखा। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि घेवर का जो है सीजन होता है लगभग 2.5 से 3 महीने रहता है। पिंटू भाई 3 महीने तक जी? 3 महीने रहता है। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला 3 महीने रहता है। ज्यादातर लोग कौन सा घेवर पसंद करते हैं? समालखा के लोग कौन सा पसंद करते हैं? समालखा के लोग जी दूध वाला लाल घेवर ज्यादा पसंद करते हैं। दूध वाला लाल घेवर और केसर वाला मावे का। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा? हाँ जी, हाँ जी, तैयार हो गया। आप तैयार हो गए?
अभी डिब्बे में जाएगा। हाँ भैया, एक बॉक्स लेगा ना, बॉक्स में डाल के दिखाओ। डिब्बे में जाएगा और फिर किसी के घर जाएगा और फिर पेट में जाएगा किसी के, है कि नहीं? सेलिब्रेशन होगा। वीडियो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। ये देखिए, अच्छा अगर किसी को घेवर का काम शुरू करना हो उसको आप मदद कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। होलसेल, अच्छा ये होलसेल रेट होता है, रिटेल रेट होता है, मतलब यह सब कोई तो रिटेल ही बेचते हैं जी हम। रिटेल ही बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रिटेल में ही माल पूरा नहीं होता अपना। अरे वाह, वेरी गुड दोस्तों, बहुत फेमस शॉप है ये। आप जब समाल का आएंगे तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, श्री हरि मिष्ठान भंडार प्रेमचंद हलवाई। और भी ऐसा भी हमने सुना है कि जो घेवर के हलवाई हैं वो किराना के बड़े फेमस होते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, अपने हरियाणा में समालखा में यही फेमस है। अच्छा, समालखा के ही कारीगर फेमस। सबसे ज्यादा जो घेवर फेमस होता है वो कहाँ का फेमस होता है? यही का? हाँ जी, समालखा का फेमस है। समालखा के वर्ल्ड फेमस है। समालखा में प्रेमचंद हलवाई का। अरे कर गया मार्केटिंग पिंटू भाई हमारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ईमानदार है हमारे पिंटू भाई। अब की बार आपकी सैलरी मुझे डबल हो जाएगी मुझे लगता है दिवाली में। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो है दोस्तों, देखा आपने घेवर कैसे तैयार होता है, हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। और बहुत फैक्ट्री के वाइब्स बड़े अच्छे हैं यार, सब लोग इतने हंसी खुशी से बना रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं है कि इतना बड़ा ऑर्डर है या एक दिन में इतने सारे घेवर बनाने हैं। अच्छा, मैं क्वांटिटी की अगर पूछूं, वैसे तो पूछते नहीं है लोग, मैं क्वांटिटी की अगर पूछूं, आप बता कितना घेवर तैयार होता है एक दिन में, एक बार में पता है कुछ आइडिया है? एक दिन में जी अपनी 22 भट्टियां लगी हुई है। 22 भट्टियां लगी हुई है, इसके अलावा कोई और गोदाम भी है? हाँ, एक उत्सव गार्डन में लगी हुई है 12 भट्टी। तो मतलब कितना बन जाता है, कुछ आइडिया है? नहीं अंदाजा इस बात? अंदाजा कुछ नहीं है, जैसे 12-14 कट्टे मैदा लगती है। अच्छा, और ये दिन रात काम चलता है? हाँ जी, हाँ जी, डे नाइट शिफ्ट लगे, डे नाइट में 24 घंटे काम चलता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और साफ सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त अच्छा किया हुआ है इन्होंने। मुझे यहाँ पर मीठे पर मक्खियाँ बहुत होती हैं। हाँ, मुझे यहाँ पर मक्खियों का नामो निशान नहीं दिखा, ऐसा क्या भैया खिला रखा मक्खियों को आपने? हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर रखी है। अच्छा, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन, हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है, इस बात को जरूर कहना चाहिए। बिल्कुल, आप वीडियो देख रहे हैं शुरू से अंत तक, अगर देख रहे हैं आप मुझे बता दीजिए वीडियो में एक भी मक्खी आपको दिखी होती दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। मीठे का कोई शौकीन है आपका दोस्त, चाहे वो विदेश में रहता है, चाहे वो कहीं भी रहता है देश के किसी भी कोने में, घेवर कैसे बनता है, घेवर क्योंकि सीजनल होता है और तीज त्योहार पे ही आता है, आपको तीज त्योहार का मालूम है, लगभग 2.5 से 3 महीने जन्माष्टमी के बाद जो है गौरव घेवर जो है वो बंद हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या आपके और क्या काम होता है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ मावावर भी फेमस है, घियावर भी फेमस है, और सीजनेबल गाजर पाक फेमस है, गाजर बर्फी फेमस है। जब आप अगले सीजन में आएंगे तो हम आपको गाजर बर्फी गाजर पाक खिलवाएंगे। थैंक यू सो मच भाई। समोसा भी फेमस है। समोसा भी फेमस है। चलिए नेक्स्ट टाइम आएंगे, समोसा भी खाएंगे, गाजर पाक भी खाएंगे। ऊपर चलें, कुछ चल रहा है ऊपर ऑफिस में? अच्छा, अभी चल रहा है, लाइव चल रहा है अभी। चलिए तो दोस्तों, अच्छा ये देखिए, ये भी अच्छा, ये देखिए, ये अच्छा, ये बड़ा साइज है, ये से चाशनी डाल रहे हैं। ये लगभग अब बन जाएगा गौरव 1.25 किलो का, है ना? इसका क्या प्राइस है? ये 240 ओनली, 240। ये वो लाल वाला है, दूध वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस पर आप नॉर्मल वाली चाशनी डाल रहे हैं, केसर वाली चाशनी नहीं? हाँ जी, कोलर मशीन है जिनसे मावा निकाला जाता। अच्छा, वो मशीन भी दिखा दीजिए, मावा निकालने वाली, लाइव मावा निकालते हैं। प्राइस में एक बार फिर बता दीजिए। मतलब मिलावट की यहाँ पर कोई नामो निशान है ही नहीं, कोई अगर ये दावा कहते कि मिलावट है। प्राइस दोबारा बता दीजिए, प्राइस पूछ रहे हैं। देसी घी का मावा घेवर है जी, 500 रुपए किलो। अच्छा, देसी घी का प्लेन घेवर है 450 रुपए किलो। अच्छा, और लाल घेवर है जी 240, लाल मावा घेवर है 350 रुपए किलो। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई आपसे ऑनलाइन भी मंगा सकता है? नहीं, ऑनलाइन नहीं, अभी मामला शुरू। ऑनलाइन भी ऑनलाइन, मतलब कोरियर कर देते हम लोग, जैसे हम कई जगह कनाडा और यूके, जैसे हमारा घेवर जाता है ऑलरेडी। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी शेल्फ लाइफ कितने दिन तक, खराब कितने दिन तक नहीं होता? जैसे लाल घेवर है वो हमारा 1 हफ्ते चल जाता है, और मावे का घेवर है वो हमारा 2 दिन तक, और ऐसी देसी ब्लेंड वो 1 हफ्ते तक चलता है।
बाकी मावे की लाइफ जो है ना वो दो दिन की है। अच्छा, मावे वो रहता है 3 दिन तक भी फ्रिज में रखोगे पर वो टेस्ट और उसका सोगीपन उसमें आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये लाइव मावा तैयार हो रहा है दोस्तों, तो देख लिया आपने घेवर बनने का तरीका देख लिया लाइव आज दोस्तों। मेरे हिसाब से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए उनका जो फेवरेट स्वीट डिश है वो कैसे तैयार होती है। थैंक यू पिंटू भाई, थैंक यू सो मच। गौरव मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार फॉर योर टाइम। बहुत बिजी रहते हैं लोग ना और सारे दिन क्योंकि टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है, वी आर वेरी थैंकफुल। और कितना घेवर खाने वाली है दो एक बारी में? या मैं तो सोच रही हूँ सारी वैरायटी एक एक ले ही जाए। चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप इतना प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियोस को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे आपको कहाँ का घेवर पसंद है हमें ये भी जरूर बताइएगा, हम वहाँ भी विजिट करेंगे और आपका टेस्ट आपके साथ और बाकी सबके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच।